Welcome to my channel Angel Gabble Tarots. Today I have made this video for doing the session for Tejasvi Prakash and Karan Kundra. बहुत सारे fans जानना चाह रहे हैं कि मैं एक बार और उनके relationship को status को देखूं कि predictions में क्या निकल के आ रहा है. एक बार और वो जानना चाहते हैं और मैं इसमें find out करने की कोशिश करूंगी कि future में भी क्या messages हैं. एट प्रेजेंट मैं एक बार देखना चाहूँगी क्या रिलेशनशिप स्टेटस में उनके दिखा रहा है, दोनों के बीच के संबंध अभी किस तरह के संबंध हैं आपस में जानना चाहूँगी. मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हैं और बिग बॉस 15 सीजन 15 में कंटेस्टेंट ऐसा हैं अभी इस वक्त. बहुत सारे फैंस जानना चाह रहे हैं कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश तेजस्विनी प्रकाश के आपस में क्या रिलेशनशिप है, तेजस्विनी और करण के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप स्टेटस है मैं जानना चाहूँगी. एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो किस तरह के रिलेशनशिप शो कर रहा है. अगर आप लोग को याद हो तो पिछले उसमें कई बार इसमें अगर रीडिंग्स में आप देखा होगा कि ये कार्ड आया था, ये कार्ड अभी भी है. और यहाँ पे प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैं बता दूँ कि दोनों के बीच में इमोशंस तो हैं लेकिन ये उन दोनों के बीच का केवल एक अफेयर दिखा रहा है, एक सेल्फिशनेस को शो कर रहा है. रिलेशनशिप में केवल अपने मतलब के लिए केवल काम निकालना और फिर बाद में फिर रिलेशनशिप में अपना काम निकलने के बाद एक दूसरे को छोड़ देना, ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही है. और इनके में अगेन मैं बता दूँ कि अगर मैं करण कुंद्रा जी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये शो हो रहा है कि ये बात उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये एक रिलेशनशिप केवल एक लॉन्ग रन चलने वाला तो नहीं है. ये चीज़ उनको पता है कि रिलेशनशिप बहुत एज अ फ्रेंडशिप आप कह सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत शादी करना चाह रहे हैं, बहुत लव आ रहा हो आपस में, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसे मैं आपको बता दूं कि इसमें ये करण कुंद्रा जी अपने साथ जस्टिस बहुत करना चाहते हैं. उनके जो भी उनकी निजी ज़िंदगी है, उनके जो अपने संबंध हैं वाकई में, जो उनके उनके ज़िंदगी में जो दोस्त हैं उनके साथ तो वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमेशा बनाना चाहते हैं और एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ये करण कुंद्रा का. मैं बताऊँ तो क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि दैट पर्सन वॉन्टेड टू बी अ वेरी वेरी ट्रू पर्सन एंड ट्रू फ्रेंड. उनको ट्रू फ्रेंड बहुत पसंद हैं, उनको ऐसे लोग पसंद हैं जो कि जस्टिस को जो है ज़्यादा तवज्जो देते हो अपने लाइफ में, इनजस्टिस को तवज्जो ना देते हो, गलत चीज़ को. यह मैं एक ही अंदरूनी बात आपको बता रही हूँ, बाकी वो क्या शो में देखिए ये कलाकार को किस लेवल पे क्या क्या करना होता है ये तो वही वहाँ जा कर के बता सकता है जो जना उस चीज़ को वहाँ पे हैंडल कर रहा है, उस लेवल को, उस पोस्ट को, जिस लेवल पे भी हैं वो. लेकिन एज अ पर्सन मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी अपने साथ इनजस्टिस तो कभी नहीं चाहेंगे, खासतौर से रिलेशनशिप को लेकर के. तो ये बात वो भी जानते हैं कि ये एक एज अ रिलेशनशिप केवल एक अफेयर की तरह है, केवल एक व्यक्ति अपना केवल एक मतलब के लिए खाली, बस ये मैं आपको बता दूं. इसमें ये भी छो रहा है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि मैं फैमिली बसाऊं आगे जा करके, या मेरी खुद की अपनी एक फैमिली, एक जैसे फैमिली परिवार किंगडम अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ भी ये सोचते हैं. लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना, इनका नेचर सही और गलत को बहुत जल्दी भाप लेता है, ये अपने साथ गलत नहीं होने देंगे कभी नहीं. तो इसीलिए ये फैमिली के बारे में तो सोचते तो हैं लेकिन इस रिलेशनशिप में तेजस्विनी के साथ ये ऐसा कुछ भी नहीं
सोच रहे हैं और ना ऐसा होने वाला है कि फैमिली कोई जो है बसाएंगे, बल्कि रिलेशनशिप में अगर मैं बताऊं तो रिलेशनशिप में जेलसी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। ये अगर ये एट प्रेजेंट जेलसी दिखा रहा है कि हमसे कोई आगे ना निकल जाए, जिसे हम कम्पिटिटिव भावना कहते हैं, तो ये एक चीज़ है कि ये कंपटीशन की जो भावना है यही जेलसी को जन्म दे रही है इनके रिलेशनशिप में। और मैं इसमें फ्यूचर में देख लेती हूँ कि आगे क्या इसमें शो हो रहा है दोनों के रिलेशनशिप में। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि करण कुंद्रा जी और तेजस्विनी प्रकाश दोनों के बीच के रिश्ते फ्यूचर में किस तरह के रहेंगे। फैंस जानना चाहते हैं करण और तेजस्विनी के बीच के रिश्ते फ्यूचर में आगे जाके किस तरह के रहेंगे, मैं देखना चाहूँगी। मैसेजेस के थ्रू मैं जानना चाहूँगी। फैंस भी हैं उनके, बहुत सारे फैंस हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत दिनों से पूछ रहे थे। तो मैं इसमें बता दूं कि रिलेशनशिप जो है इनकी इनकी रिलेशनशिप में ये कार्ड पहले भी आया था, अगर आपको अगर ध्यान होगा तो। ये मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशनशिप एक ड्रीम की ड्रीम ही रह जाएगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक बहुत अच्छा आगे रिश्ता बढ़ेगा या एक डेट पे जाएंगे दोनों या लव अफेयर होगा, एक ट्रू लव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक ड्रीम ही रह जाएगी। इसे कहते हैं ना कि सोचते रहना होना कुछ नहीं। और ये रिलेशनशिप में शो हो रहा है कि चीज़ें हक में नहीं रहेंगी रिलेशनशिप में, ना करण कुंद्रा जी की तरफ से नहीं भी नहीं रहेंगी और तेजस्विनी प्रकाश की तरफ से भी रिलेशनशिप में। यहाँ पे जो एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये हम दोनों एक साथ रहेंगे या दोनों रिश्ता निभाएंगे और आगे निभाएंगे, ये चीज़ नहीं दिख रही है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि दोनों ही रिश्ते में दिखा रहा है कि बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं करियर में, अपने अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं। एक कलाकार क्या चाहता है? एक कलाकार चाहता है कि उसको बहुत सारे ऑफर्स आए, उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि वो जिस लेवल पे है अभी, बिग बॉस लेवल एक बहुत अच्छा लेवल है कलाकारों के लिए, उससे और आगे जा कर के मुझको बहुत सारे ऑफर्स आए, ये रिश्ते में एक्चुअली दिखा रहा है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा चाहते हैं, शायद इसीलिए रिश्ता एक दूसरे के साथ जो है केवल इसलिए बनाए हुए हैं ताकि इनको पब्लिसिटी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे जो है वो पॉइंट्स मिल जाएं, और मिल भी रहे हैं नो डाउट। और इसमें ये मैं आपको बता दूं कि अगेन ये कार्ड ये बता रहा है कि फैमिली बसाना या आगे अपने पर्सनल लाइफ या और करियर दोनों को लेकर के एक साथ चलना ये रिश्ते में नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि किसी एक में से, खास तौर से मैं अगर बताऊं तो करण कुंद्रा जी को शायद बाद में ये पता चल पाएगा, हालांकि वो जानते हैं कि ये एक अफेयर है, लेकिन सोचते भी हैं फैमिली किंगडम बसाने के लिए, लेकिन बाद में उनको फ्यूचर में ही पता चल पाएगा कि उनका जो शक था वो सही है। और पीठ पीछे छुरा घोंपने का कार्ड आया हो, दैट मीन्स अगला जना चीट करके निकल जाएगा। लवर्स का कार्ड फंसा हुआ है, दैट मीन्स कोई यहाँ पे लवर्स जो दोनों जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली में लवर्स नहीं है, एक्चुअली में दोनों के रिश्तों में चीटिंग नज़र आ रही है, ये बाद में पता चल पाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ कोई फीमेल का कार्ड नहीं है, दैट मीन्स कि मेल का कार्ड है, और करण कुंद्रा जी को बाद में ये चीज़ पता चल जाएगी और खुद ही इसको ख़त्म कर देंगे। तो कोई लव नहीं है यहाँ पे, बहुत क्लियर यहाँ पे रीडिंग्स के थ्रू नज़र आ रहा है, मैसेज है एंजल्स की तरफ से, क्लियर हुआ होगा आप लोग को। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।